प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बागेश्वर के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इस योजना के जरिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद कई युवाओं ने अपना उद्यम शुरू किया है। वे खुद तो आत्मनिर्भर बन ही रहे हैं, अन्य लोगों को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पेशी रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते महानगर की नौकरी छोड़ बागेश्वर वापस लौटे पंकज कुमार बेरोजगार नहीं हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण लिया था। मुश्किल समय में उनका ये कौशल काम आया। पंकज ने अपने गृह जिले में मोबाइल रिपेयर करने और इसकी एसेसरीज की एक दुकान खोली। अब उन्हें नौकरी के लिए महानगर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और ऑल दी सेम कहते हैं कंप्यूटर भी था और सिलाई उलाई तो लड़कियों का हुआ वैसे। और उसके बाद मैंने वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया 4 महीने का। तो उसके बाद मुझे वहाँ से बहुत लाभ मिला, बहुत इतना फायदा हुआ कि क्या कहते हैं आप कि मैंने एक छोटी सी शॉप खोल ली यहाँ पे बागेश्वर में ही। बागेश्वर की बीना शादी के बाद आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर रहना चाहती थी। उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चलाए जा रहे निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र के बारे में पता चला। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण लिया। अब वे स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं ही, अपने परिवार का आर्थिक सहयोग भी कर रही हैं। ये कौशल केंद्र से मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही कॉस्टली होता है अगर हम इसको सीखना चाहते हैं तो, और ये वहाँ से हमको फ्री में मिला है और इससे बेनिफिट भी बहुत हुआ है, क्योंकि आजकल अगर बाहर सिलवाते हैं कपड़े तो बहुत कॉस्टली पड़ता है और इसे हम अपना भी कर सकते हैं। ये रोजगार के लिए भी बहुत अच्छा है और इनकम भी ठीक ठाक हो ही जाती है इसे। कमलेश आगरी का कंप्यूटर से जुड़ा व्यवसाय है। शुरुआत में उन्हें मुश्किलें जरूर आईं, पर अब वे 10 से 15 हजार रुपए हर महीने कमाते हैं। वे मानते हैं कि युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। शुरुआती में थोड़ी बहुत दिक्कत आई मुझे, थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत डगमगाई मेरी, लेकिन अब मैं अच्छा खासा कमाने लग गया हूँ। लगभग महीने का 10-15 इनकम हो ही रही मेरी, 10-15 हजार के आसपास। ये सब जो भी हुआ मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो मैंने सीखा उसके बदौलत हुआ है। वर्ष 2015 में आई कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को अपना स्किल डेवलप कर स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि वे नौकरी करने की जगह नौकरी देने योग्य बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।